Yes, students of 9th class, today we will discuss one of the important term from the same chapter, Lines and Angles. Previous lecture mein bhi ek term humne discuss kiya tha. Now, today's term is here, if a transversal intersect two parallel lines, humare paas jab two parallel lines hongi and a transversal intersect these two parallel lines, taking here LM are parallel lines and n be transversal to these two lines, then each pair of interior angles, we have here interior angles, angle 1, angle 2, angle 3, angle 4, ye four interior angles hain, on the same side of a transversal, we have here four interior angles, but we have given condition here, interior angles on the same side of a transversal. जो interior angles है इस transversal के एक ही side में, that is angle 1, angle 2, हमारे पास interior angles हैं. It's like on the same side. इसी तरह angle 3, angle 4 ये भी same side में lie कर रहे हैं. इस supplementary, इनका sum हमें supplementary मिलना चाहिए. We have to show angle 1 plus angle 2 is 180. We have to show angle 3 plus angle 4 is equal to 180. ये हमें show करना है. We have here given conditions. L is parallel to M and N be any transversal. Dear students, we give the proof of this term. Taking first given conditions. Given हमारे पास है. We have here a transversal intersect two parallel lines. We have two parallel lines. Taking these two parallel lines L and M, you will consider L and M be given two parallel lines. Ye hum given two parallel lines le rahe hain. And N be the transversal. Be the transversal. ये हमारे पास given condition. To prove, we have to show here angle 1 plus angle 2 equal to 180 or angle 3 plus angle 4 is equal to 180. यहां में ये show करना है या ये show करना है? जो आप चाहे, जिस तरह हम एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू 180 दिखा सकते हैं, उसी तरह हम एंगल 3 प्लस एंगल 4 शो कर सकते हैं, इट इज इक्वल टू 180. द प्रूफ ऑफ दिस टर्म इज वेरी इजी डियर स्टूडेंट्स. सिंपली वी कंबाइन द गिवन कंडीशन विद द एक्शन ऑफ द लाइंस, वो हमें कंबाइन करने, वी गेट द प्रूफ ऑफ दिस टर्म. प्रूफ, डियर स्टूडेंट्स, वी हैव हियर एल इज पैरेलल टू एम एंड एन इज ट्रांसवर्सल. वी हैव एल पैरेलल एम एंड एन बी द ट्रांसवर्सल. ट्रांसवर्सल, ये हमारे पास ट्रांसवर्सल. जब ये पैरेलल है तब जाके हमारे पास एंगल 3 इक्वल टू एंगल 2, एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, ये हमारे पास कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स. नाउ डियर स्टूडेंट्स, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट यहां पे हम यूज कर लेंगे. इफ वी हैव जस्ट इट इज एन लाइन एन, इट इज एल, इसका एक हिस्सा मैं ले रहा हूं. ये हमारे पास एंगल 3 है, ये हमारे पास एंगल 1 है. क्लियरली इफ वी टेक दिस लाइन एंड दिस वन, यहां से होके इट इज अ रे, देन क्लियरली एंगल 1 एंड एंगल 3 आर लीनियर पेयर एंगल्स. क्लियरली एंगल 1 कॉमा एंगल 3 आर लीनियर पेयर एंगल्स. एल फॉर लीनियर, पी फॉर पेयर एंगल्स.
therefore तब जाके एंगल 1 प्लस एंगल 3 इट इज इक्वल टू 180. सम ऑफ लीनियर पेयर एंगल्स, सम ऑफ लीनियर पेयर एंगल्स इज 180. ये हमारे पास वेल-नोन रिजल्ट है. वी कंबाइन दीज कॉन्सेप्ट्स वी गेट द सॉल्यूशन ऑफ दिस. We have here angle 2 equal to angle 3. We get here angle 1 plus angle 3 equal to 180. But angle 3, यहाँ पे इस equation में हम angle 3 का value किससे replace कर लेंगे? Angle 2 से replace कर लेंगे. Therefore, this implies angle 1 plus angle 3 के बाद angle 2 लेंगे हम, it is equal to 180 as angle 2 is equal to angle 3. ये हम यूज कर रहे हैं. वी गेट हियर एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू 180, दैट इज एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू 180. बट दीज आर द इंटीरियर एंगल्स लाई ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल. इसी तरह हम एंगल 3 प्लस एंगल 4 भी 180 के बराबर दिखा सकते हैं. दैट इज द सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स. Interior angles on the same side of a transversal is supplementary. Dear students, इस तरह इस term का proof complete हो गया. Dear students, से पहले कि इस video को इख्तिदाम पजीर कर दें, सब्सक्राइब मेरे चैनल ताकि आने वाले हर नेक्स्ट वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे, और वीडियो शेयर कर लेना ताकि दूसरे बच्चे इनसे इस्तेफादा हासिल कर सकें. डियर स्टूडेंट्स, इसके बाद हमें एक और थ्योरम करनी, विच इज द कन्वर्स ऑफ दिस पर्टिकुलर थ्योरम. डियर स्टूडेंट, मैं ये आपके लिए होम असाइनमेंट के लिए छोड़ रहा हूँ. द थ्योरम इज इफ ए ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू लाइन्स होगा वहां such that the pair of interior angles on the same side of a transversal is supplementary. ये given condition is only, then we have to show the lines are parallel. इसका opposite होगा, जो given condition यहाँ पे है वो वहाँ पे prove करनी है. जो यहाँ पे prove करनी थी वो हमें given condition है वहाँ पे. That is the converse of this theorem. Dear students, ये आपके लिए home assignment है. अगर आपको कोई problem होगी comment box में comment कर लेना. Thank you. Have a nice day.